हेलो एवरीवन, टेक विद सैम में फिर से आपका स्वागत है। थंबनेल आपने देखा होगा, क्या है हमारा आज का थंबनेल? हाउ टू मेक विंडोज 11 बूटेबल पेन ड्राइव। ओके, तो बूटेबल पेन ड्राइव की जरूरत क्यों है हमें? क्योंकि विंडोज 11 हमको इंस्टॉल करना है। ओके, तो इसीलिए हमें बूटेबल पेन ड्राइव चाहिए। तो सबसे पहले बूटेबल पेन ड्राइव मतलब कुछ अलग नहीं होता, नॉर्मल पेन ड्राइव होता है हमारा। एक 8 GB या फिर 16 GB का एक पेन ड्राइव ले लो और हम इसके लिए एक टूल यूज करने वाले रिफ्यूज। ओके, करते हैं स्टार्ट वीडियो को जल्द से जल्द। ये टूल है रिफ्यूज, बताता हूँ मैं आपको कैसे डाउनलोड करते हैं। मैं ब्राउजर में जाता हूँ और बता देता हूँ आपको कैसे करते हैं। यहाँ पे टाइप कर लो रिफ्यूज, इस सॉफ्टवेयर की लिंक भी मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, और इस पे क्लिक कर दो। फर्स्ट लिंक है कि ना, उस पर क्लिक कर दो। लिंक भी मैं आपको डाल दूंगा, सेम विंडोज 10 का जैसे था ना, सेम ये भी वही है। अगर आपको विंडोज 10 का करना होगा तो विंडोज 10 की भी लिंक मैं आई बटन में डाल दूंगा, विंडोज 10 के भी कर सकते हैं। और ये देखो, और अगर किसी ने विंडोज 11 का आईओएस इमेज कैसे डाउनलोड करते हैं वो नहीं देखा होगा, वो वीडियो भी देख लो, वो भी मैंने आई बटन में डाल दूंगा। और इस पे क्लिक करो 3.17, अभी मेरे पास 3.15 का है और इसको सेव फाइल कर रहा हूँ। ये देखो हो चुका है। ओके, नया वर्जन आया है, ये देखो 3.17, सिर्फ उसको क्लिक करना है। अभी आगे हम स्क्रीनशॉट के जरिए देखेंगे। ओके, तो ये देखो, इसको क्लिक करोगे ना उसके बाद इधर पेन ड्राइव अगर आप लगाओगे तभी आएगा, अदरवाइज इधर पेन ड्राइव नहीं दिखाएगा। ओके, तो पेन ड्राइव लगाना और उसके बाद आपके पेन ड्राइव का नाम जो भी है वो इधर शो करेगा। ओके, और 8 GB और 16 GB तो चाहिए मिनिमम पेन ड्राइव को पोर्टेबल करने ना, 8 GB या फिर 16 GB दोनों तो चाहिए आपको। ओके, मतलब एक चाहिए, दोनों में से एक होगा तो ठीक है। और इधर क्या करना है, डिस्क और आईओएस में सिलेक्ट करना है। इधर सिलेक्ट पे क्लिक करता हूँ मैं, और ये देखो विंडोज 11 की मेरे पास आईओएस इमेज है और इसको मैं ओपन कर रहा हूँ। ओके, और जो नेक्स्ट है हमारा, ये देखो पार्टीशन स्कीम आपको MBR ही रखना है। ओके, और इसमें कुछ चेंज नहीं, सेम ऐसा ही होना चाहिए। नाम अगर आपको वॉल्यूम को कुछ देना होगा तो दे सकते हो, मैंने कुछ नहीं दिया। एंड टेपिस और स्टार्ट करता हूँ, और पेन ड्राइव के अंदर का पूरा डेटा डिलीट होने वाला है इसलिए बैकअप लेना है तो ले लो, और सिंपली क्या कर दो, स्टार्ट कर दो। इतना सब कुछ चेंजेस होने के बाद स्टार्ट करोगे, ये देखो बोल रहा है डेटा चल जाएगा, इसलिए बैकअप लेना है तो ले सकते हो, आपका डेटा जाने वाला है। और ओके कर दो, इसको भी मैंने ओके कर दिया है। अभी हो रहा है, अभी थोड़ा टाइम जाएगा। ओके, और उसके बाद ये हो चुका है हमारा विंडोज 11 का बूटेबल पेन ड्राइव पूरी तरह से। ओके, क्योंकि हमारी SSD बहुत फास्ट है, स्क्रीनशॉट की SSD है इसलिए बहुत जल्दी हमारा हो चुका है। और मुझे लगता है आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना, इससे आपका पेन ड्राइव बूटेबल जरूर हो जाएगा। ओके, और उसके बाद इंस्टॉलिंग का मैं जल्दी लाऊंगा, इंस्टॉलिंग कैसे करते हैं विंडोज 11 का, वो भी जल्दी आने वाला है वीडियो। ओके, तो इसलिए बने रहना मेरे साथ, फिर मिलेंगे टेक विद सैम के साथ। चलो, बाय बाय, थैंक यू।